तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नमस्कार, मारुति मल्टीमीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं दुष्यंत सोनी खंडवा से आपके लिए एक बहुत अच्छा लेसन लेके आया हूँ। बहुत से डिमांड थी बहुत से सब्सक्राइबर्स की, बहुत मुझे कहा उन्होंने कि आप जो एक सीरीज चालू करने वाले गानों की या फिल्मी गानों की, तो मैंने स्टार्ट करा आज भजनों से, फिल्मी भजन। हे मालिक तेरे बंदे हम बहुत सुप्रसिद्ध और सभी इसको जानते हैं और सभी इसको बजाने की कोशिश भी करते हैं।
तो इसके अंदर क्या बोल बजा है वो मैंने अभी आपको संगत में बताया, और वो कैसे बजेगा वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। खास तो बात ये भी है कि ये जो ढोलक है, एक्चुअली मैं जो ढोलक प्रोवाइड करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को या मेरे सब्सक्राइबर्स या व्यूवर्स को, तो वो ढोलक पे मैं आपको कभी कभी उसमें वीडियोस बना के बताता हूँ। तो ये जो वीडियो है ये खास करके ढोलक आज जा रही है विजय कुमार जी शर्मा को, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है और उन्होंने ये परचेस करी है। ये नक्काशीदार शीशम लकड़ी की बढ़िया ढोलक है। ऐसी आप यदि चाहते हैं ऐसी बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी की ढोलक तबला पखावज तो आपको ज़रूर मिल सकता है। मेरे जो नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, उस पर आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू ढोलक के इमेजेस लेकर के पसंद कर सकते हैं, आप घर बुला सकते हैं। तो आते हैं हमारे लेसन पे। जो लेसन है हमारा कैसे बजाना है इसको, तो बहुत सरल बोल है। बोल है धित धाता धित्ता धित्ताता तित्ता। तो ये जो बोल है एक्चुअली बहुत शानदार बोल है, धित धाता धित्ता तित्ताता तित्ता। आप स्क्रीन पे भी आपको बोल का जो नोटेशन है दिख रहा है। तो इसको चार भागों में हम बांटेंगे, क्योंकि चार मात्रा है इसलिए हर मात्रा को एक एक करके समझेंगे। तो पहली मात्रा है धित धाता, फिर दूसरी है धित धा, तीसरी है धित ताता और चौथी है तित्ता। तो पहली मात्रा है धित धाता, तो धी धी आपको समझाया हुआ है। नीचे की तीन उंगलियों से ती के साथ घे बजाएंगे, धी बजेगा धित, थोड़ा सा दबा के लेंगे तो धित वाला प्रोनाउंसिएशन आता है धित धाता। धाता इट मीन्स पहली उंगली के साथ घे बजाएंगे तो धा बजेगा और ता या ना हम कॉर्नर से बजाते हैं तो धित धाता। तो धाता बोल एक्चुअली डबल स्पीड बजता है, बस इस बोल के अंदर यही चीज़ खासियत है कि धाता और ताता जब हम बजाएंगे तो वो इसकी स्पीड दुगनी होगी। कैसे धित धाता फिर धित धा, दूसरी मात्रा धित धा है धित धा। तो हम दो मात्रा दो दो मात्रा को हम दो मात्रा पहले फिर दो मात्रा बाद आधे आधे में समझेंगे तो समझ जल्दी आएगा। तो पहली दो मात्रा है धित धाता धित धा धित धाता धित धित धाता धित धा धित धाता धित धा। तो ये बहुत शानदार बोल है धित धाता धित धा। अभी दो मात्रा हुई, अगली की दो मात्रा जो है धित ताता तित्ता, तो धित ताता तित्ता। अब तित्ता के ती पर यदि आप थाप लगाते हैं तो लेफ्ट की रिदम अच्छे से बैठेगी। तो देखिएगा फिर से धित धाता धित धा धित ताता तित्ता। बहुत धीरे धीरे बजा के मैं एक बार और बताता हूँ आपको, धित धाता धित धा धित ताता तित्ता धित धाता धित धा धित ताता धित ता। तो ये बोल अच्छा है धित धाता धित धा धित ताता धित ता। अब ये जो बोल है एक्चुअली ये मेड है इस गाने के हिसाब से स्पेशली, पर यदि आप इसका एक जो जो जनरल वेरिएशन होता है वो धित ताता तित्ता तित्ता धित्ता कुछ इस प्रकार से होता है, पर हमें इस गाने में जो बजा है उसको समझना है। तो धित धाता धित धा धित ताता तित्ता। अभी इसमें सारे पूरे के पूरे जो
गीत में ये पूरा बोल बजा है, बस आपको ये बात ध्यान देना है, नेकी पर चलें, ये जब नेकी से स्टार्ट होता है तब वो चार आवर्तन या छः आवर्तन आपको सिर्फ शुरुआत की दो मात्रा को बार बार रिपीट करना है, धेता ता धेता धेता ता धेता। ये एक थोड़ा सा एक पॉइंट है जो आपको समझना है, क्योंकि यदि आप गाने को बहुत प्रॉपरली डीपली अच्छे सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें कहाँ क्या बजाए। तो जब नेकी पर चले जब स्टार्ट होता है वहाँ से आपको धेदाता धेदा इसी को बार बार रिपीट करना है, लगभग चार छः बार धेदाता धेदा, जब तक वो पूरी वाक्य ख़त्म ना हो जाए, जब तक वो धेदाता धेदा धेदाता धेदा धेदाता धेदा, ये आपको बजाते रहना है। तो ये इस गाने में कोई बहुत बड़े बोल नहीं है और बहुत कोई बड़ी बंदिश नहीं है, आपको बस ऐसी एक ही बोल को यदि आप सीख जाते हैं धेदाता धेदा धेदाता धेदा, इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ये जो हुआ बोल मैंने आपको सिखाया, इसका जो बीच में एक जगह जहाँ थोड़ा सा परिवर्तन है वो भी आपने समझा। बहुत से सब्सक्राइबर मुझसे डायरेक्टली भी सीखते हैं, ऐसे जो एक बोल मैंने आपको सिखाया ऐसे कईयों बोल मैं आपको सिखाता हूँ। और एकदम प्रोफेशनल ढोलक वादक बनने के लिए यदि आप चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर संपर्क करें, मैं वीडियो कॉलिंग के द्वारा या फिर और भी मेरे जो भी मार्फत हैं उसके द्वारा मैं डायरेक्टली आपको क्लासेस देता हूँ। और यदि आप जुड़ना चाहते हैं मेरे से ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, सीखना चाहते हैं आप मेरे से, तो ज़रूर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे इंक्वायरी डालिए, इसके बारे में पूरी प्रोसेस जानिए और क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। और मैं समझता हूँ कि आप जितना वीडियो से लाभ उठा पा रहे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा आप मेरे क्लासेस में लाभ उठा पाएंगे। तो जो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें आपको क्या सीखने को मिला, जैसा भी लगा हो आप कमेंट्स ज़रूर करके बताएं मुझे। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें, लोगों के लिए शेयर करें, और इस चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब बटन दबा लें, क्योंकि ऐसे ढेर सारे वीडियोस मैं देता रहता हूँ, कुछ ना कुछ दो तीन दिन चार दिन में आपको नए नए वीडियो देता रहता हूँ जो आपके काम आएंगे, तो ज़रूर आपको सबसे पहले देखने को मिले, इसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सब्सक्राइब करने में पैसा लग जाता है या फिर जो एक नहीं समझते कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है, तो सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी सबके लिए फ्री होता है, तो ज़रूर ध्यान दें। अब जब भी आप सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं लगने वाला उसमें। तो इतना समझदारी के लिए आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी होगा इस गाने के लिए, तो आगे मैं आपको और भी नए लेसन देते रहूँगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।